सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूँ पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। जैसे कि ऑलरेडी तुम लोग वीडियो का टाइटल, थंबनेल और मैच का लोडिंग स्क्रीन देखकर समझ ही चुके हो कि इस मैच में हम लोग करने वाले ओनली डिफेंडर चैलेंज। सो आई होप कि तुम लोग को बाकी चैलेंज वीडियोस की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अब मैच के स्टार्टिंग में ना मैं टॉप लेन जाना चाहता था, लेकिन मेरे को बॉटम लेन जाना पड़ जाता है। अब टॉप लेन का सीन ही होता है ना, टॉप लेन में स्टैक्स करना बहुत ज्यादा ईजी होता है बॉटम लेन के कंपेयर में। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, अब मैं ना जिस मैच में जो लेन जाना चाहता हूँ, अगर मैं उसका अपोजिट लेन चला जाता हूँ ना, फॉर सम रीजन वो मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा सही जाता है। और इस मैच में भी वही हुआ। मैं बॉटम लेन में आते क्विकली दो स्टैक्स कर लेता हूँ और थर्ड स्टैक मेरा रनिंग चलता है, वो करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने बेस में, क्योंकि मेरे को लेवल नहीं देना था। अभी मैं 5 लेवल का होने के बाद ही नेक्स्ट स्टैक करने आऊंगा। मैं बेस पे वापस आके देखता हूँ अहिल्या जादू यहाँ पे तो तीन बंदे खड़े हैं, स्नोलेक्स पीछे रह गया, वो भी आ रहा है। अब यहाँ पे भीड़ में मैं सबसे पहले ग्रीडेंट को टारगेट करता हूँ, क्योंकि उसका एचपी थोड़ा बहुत लो था तो मैं उसको मार के एक्सपी ले सकता था। उसके बाद हम दोनों मिलकर स्नोलेक्स को मारते हैं और मैं फाइनली पाइलोसाइन बन जाता हूँ। अब इन दोनों के पिटने के बाद मैं लिख के देता हूँ, स्लोबरो यही सोच रहा होगा कि छी बे कैसे टीममेट है मेरे, ये तो चालू होने से पहले खत्म हो गए, मेरे को फालतू का मोटिवेट करके इधर लेके आए। अब इसके कुछ देर बाद हमारा जंगलर ट्रेवेनेंट बॉटम लेन में आते, हम लोग स्लोबरो पे पुश कर देते ये सोच के कि अब तेरा क्या होगा पिंकिया। अब स्लोबरो के एचपी का सीन तो तुम लोग को पता ही है भाई, ये फिनिक्सेस के नूबनेस की तरह है भाई, ये वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। बट ठीक है, कैसा भी हो, मैंने भी गलती से इसको एक बेरी खिला दिया, लेकिन हमारे ट्रेवेनेंट ने फाइनली इसको मार लिया। आफ्टर दैट एक बेरी मैं भी खाता हूं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत स्कोर करने के बाद अपोनेंट का बॉटम बेस खाली करके चले जाते हैं आगे की तरफ। वैसे जब हम दोनों मिलकर अपोनेंट का बॉटम बेस खाली कर रहे थे ना, तभी आधे एचपी में वॉटर टेल आया तो था बेस को डिफेंड करने के लिए हीरोपंती करते हुए, लेकिन ना उसमें बात नहीं थी टाइगर श्रॉफ वाली, उसकी हीरोपंती उतर गई 2 मिनट में। और दूसरी तरफ हमारे वॉटर टेल को देखो, उसने तो डेजिली की तक सिक्योर कर लिया। वैसे पता नहीं मेन मेहनत किसने किया होगा डेजिली के पे, बट बिल तो उसके नाम का ही आया है। इसको मारते ही मैं बन जाता हूँ मेमोसाइन और सीधा चला जाता हूँ डेजिली की पुश कराने के लिए। लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूँ तब तक डेजिली की घुस के ऑलरेडी बेस टूटने के कगार पे था, तो मैंने बस 5 का स्कोर किया क्योंकि मेरे पास उतना ही था। अभी तुम सबको पता है कि मेरे पास अगर एक बार यूनाइट मूव आ गया है तो मैं बस इसको यूज करने के लिए एक बहाना खोजूंगा, तो ये दोनों मेरे को दिख गए। यार मैंने सच बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम नहीं करता ना, तो मैं मेमोसाइन का यूनाइट जब जब यूज करता ना, तब तक बैकग्राउंड में एक ही गाना डालता। तुम लोग को आईपीएल का थीम सॉन्ग जंपिंग जापान वाला तो पता ही, मैं 110% वही डाल देता। एनीवेज यहाँ पे बहुत देर फाइट चलते चलते फाइनली ये तीनों आके हमको मार देते हैं एंड मैं रिस्पॉन होकर चला तो फिर से टॉप लेन। वैसे मैं जाते हुए भी वॉटर टॉटल को लेकर डूबा। टॉप लेन में आते मैं हाई हॉर्स पावर से बंदे को पुश करने लग जाता हूँ, लेकिन भाई हमारा स्नोलेक्स ग्रीडेंट को पुश करते करते कहाँ चला गया एक बार मैप में देख लो। और वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीडेंट और स्नोलेक्स के पीछे ओपोनेंट्स का ट्रेवेनेंट भी चला गया, पता नहीं भाई ये लोग पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। अब हमारा फाइट कहाँ पे चालू हुआ था और कहाँ आके खत्म हो गया वो तो हमें पता है, लेकिन फाइनली हम लोग इनको मारने के बाद यहाँ पे स्कोर करते हैं। हमने बहुत ही ज्यादा ओवर कैप किया पता है, मतलब 4 पॉइंट का ओवर कैप किया हम लोगों ने। और यहाँ पे पूरा फाइट कंप्लीट होने के बाद अभी आ रहे ये दोनों भाई, स्नोलेक्स और ग्रीडेंट। सही है, अब ग्रीडेंट भी सोच रहा होगा किस बंदे से पाला पड़ा है, मैं 1v1 करने आया था लेकिन ये तो पूरी टीम से पिटवा दिया। ग्रीडेंट को सब मिलकर मारने के बाद तुरंत स्पॉन हो जाता है डेजिली की, तो उसको हम लोग जाके जल्दी जल्दी मेल्ट करके सिक्योर कर लेते हैं। और हमारा भी मेन ऑब्जेक्टिव था इसको बेस में पुश करना। बेचारे स्लोब्रो को देखो, ये भाई डेजिली के लास्ट हिट लेने आया था लेकिन अभी हम सबसे हिट ले रहे। स्लोब्रो को कोने में ठूस के मारने के बाद थोड़ा आगे चल के हमें मिल जाता है ओपोनेंट का ग्रीडेंट फिर से। अब इसको मारने के बाद हम लोग धीरे धीरे ओपोनेंट के कोर बेस में पहुंच जाते हैं और देखते देखते यहाँ पे ओपोनेंट के सारे बंदे धीरे धीरे आ जाते हैं और भीड़ लग जाती है। अब यहाँ पे फाइट एंगेज होती, मैं सबसे पहले अपना यूनाइट चला देता, उसके बाद हमारे ग्रीडेंट ने दूसरे ग्रीडेंट को मार दिया, ब्लास्टर्स ने भी यूनाइट चला दिया और डेजिली के एनिमी बेस में घुस जाते हैं। हम सभी यहाँ पे स्कोर करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 मिनट बाकी है तो आराम से यहाँ पे फाइट लेना चालू कर देते हैं क्योंकि मजा आ रहा था। एक तो पता है यहाँ पे फाइट कम धक्का धक्की ज्यादा हो रहा है, एक बार ट्रेवेनेंट इधर से उधर धक्का देता है, एक बार मैं धक्का देता हूँ, एक बार स्नोलेक्स ब्लॉक करके धक्का देना चालू करते हैं, बट ओवरऑल यही चल रहा था बस यहाँ पे। और गाइस पता है इस फाइट का कंक्लूजन ना बहुत ही ज्यादा एपिक था। एट द एंड मेरे सारे टीममेट्स मेरे को छोड़ के भाग जाते हैं एनिमीज के बीच, वो लोग मेरे को कोने में ठूस के मारते हैं और मुझे खराब लगा यार यहाँ पे। और फिर भी मैं इनके साथ फिर से आ गया यहाँ पे पुश करने के लिए क्योंकि 1 मिनट बाकी था फाइनल स्टेज के लिए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक दो जन को मार के हम लोग वापस चले जाते हैं। वैसे मैंने आज नोटिस किया ट्रेवेनेंट कितना झुक के भागता है। फाइनल स्टेज चालू होने से पहले हमारी टीम ने एक सही काम किया, उन लोगों ने रेजली की सिक्योर कर लिया जिस वजह से अभी हम लोगों को 5 मिनट फेस नहीं करना पड़ेगा। रेजली की अभी भी ओपोनेंट के बेस से दूर था तो हम लोगों ने रिक्वायर मेल्ट करना चालू कर दिया, लेकिन तभी ओपोनेंट का मेमो और स्नोलेक्स आ जाता है। मैं स्नोलेक्स को कोने में ले जाता हूं और फाइट करना चालू कर देता हूं। एक तो दो डिफेंडर्स के बीच में 1v1 फाइट भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई मरता ही नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं लकी था यहाँ पे मेरे को हेल्प करने के लिए ब्लास्टर्स और ग्रीडेंट आ जाते हैं, नहीं तो भाई ये फाइट बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला था। हम तीनों मिलकर स्नोलेक्स को कोने में ठूस के मारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं रिक्वाजा मेल्ट करने के लिए। वैसे तो हम लोग इस मैच को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और हमें रिक्वाजा की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हम लोग को चाहिए था एक परफेक्ट विक्ट्री। हम लोग रिक्वाजा को मेल्ट करते करते जब बहुत ही ज्यादा लो कर देते हैं तभी ओपोनेंट का ट्रेवेनेंट और ग्रीडेंट आ जाते हैं सेंटर में रिक्वाजा स्टील करने के लिए, लेकिन हम लोग उनको स्टील करने देंगे तब ना। मैंने पता है मेमोसाइन का यूनिट वो बचा के रखा इसलिए था ताकि मैं उससे रिक्वाजा पे लास्ट हिट ले सकूं, क्योंकि उससे बहुत बढ़िया एरिया डैमेज होता है और मेरे को रिक्वाजा मिल भी जाता है।
वहाँ से सिक्योर करने के बाद हमारे सारे बंदे चले जाते हैं स्कोर करने के लिए, इंक्लूडिंग मी। मैं यहाँ पे स्कोर करता हूँ लेकिन उसके बाद ये खाली नहीं होता, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत स्कोर कलेक्ट करके कर देता हूँ, लेकिन तब तक हमारे ओपोनेंट सरेंडर कर देते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से। सो एट द एंड आई रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी मजा आया ना, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस डेली और देखते रहने के लिए। और गाइस तुम में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस डेली देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर लो ना सब्सक्राइब, बस एक ही तो सेकंड लगता है। तुम्हारे एक सब्सक्राइब कर लेने से मेरे को डेली ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एक मॉरल बूस्ट मिल जाता है, तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब। वेल देन गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग को और एक नया वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर।